नोकिया 3310 के चाहने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। नोकिया ने अपने फेमस फीचर फोन 3310 को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया। नोकिया ने अपने सबसे पॉपुलर फोन 3310 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 में फिर से लॉन्च किया था। नोकिया की पेरेंट कंपनी HMD ने MWC 2017 में इसे पहली बार रिलॉन्च किया था। 3310 की पहली झलक देखने के बाद से ही इसके चाहने वाले बेसब्री से अपने फेवरेट फोन का इंतजार कर रहे थे। अब ये फोन भारत में भी लॉन्च हो गया है और इसकी बिक्री 18 मई से शुरू होगी। नोकिया ने अपने इस फीचर फोन की कीमत भी 3310 रुपए रखी है। नोकिया ने अपने इस पुराने फोन को एकदम नए कलेवर में पेश किया है। हालांकि इसकी मजबूती पुराने फोन की तरह ही है। 3310 में 2.4 इंच का कर्व्ड स्क्रीन दिया गया है, जिसे सूरज की रोशनी में भी देखा जा सकता है। नोकिया 3310 का आइकॉनिक गेम स्नेक भी इसमें है। पुराने 3310 की तरह नए वाले 3310 की बैटरी भी सॉलिड है। कंपनी की माने तो इसकी बैटरी फुल चार्ज होने पर एक दिन का टॉक टाइम और महीने भर का स्टैंडबाई बैकअप भी देती है, और इसे माइक्रो USB से चार्ज किया जा सकता है। नए 3310 में 2 मेगापिक्सल का कैमरा और 16 MB का इंटरनल मेमोरी है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। नोकिया 3310 4 नए कलर वेरिएंट्स में पेश किया गया है। कस्टमर्स इसे ग्लॉस फिनिशिंग में रेड और येलो, मैट फिनिशिंग में डार्क ब्लू और ग्रे में खरीद सकते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।